नई वाली क्रेटा पूरे तोड़ दूंगा। दुख तो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो भाई फाइनली आज अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट होने वाला है। एक चीज है, जब मैं पंच लेकर आई थी या फिर मैं स्कॉर्पियन लेकर आई या मैं फॉर्च्यूनर लेके आई, निकू भैया का कहना था अगर क्रेटा या सेल्टोस होती तो मैं एक दिन में कंप्लीट कर देता। तो लो भाई फाइनली मैं क्रेटा ही ले आई हूँ। अब देखते हैं आप कितने एक दिन यूज करने वाले हो उसको कंप्लीट करने में। चलो ये भी देख लेते हैं। मैंने कहा चलो अब तो क्रेटा खरीदनी पड़ेगी। ये बंदा बहुत हर बार सेम चीज। अब देखते हैं कितने टाइम में इसको कंप्लीट करते हो। तो इसको बेसिकली कंप्लीट टॉप मॉडल में कन्वर्ट करेंगे और बहुत ही प्यारी बड़ी क्लासी सी मॉडिफिकेशंस करवाने वाले हैं। तो जो जो काम होएगा वो आपको मैं दिखाऊंगी। जल्दी टॉप मॉडल से ऊपर लगेगा गाड़ी तैयार होने के बाद। ठीक है, हर बार यही होता है, हमारी गाड़ियां टॉप मॉडल से ऊपर लगती है और जेन्युइनली लगती है क्योंकि टॉप मॉडल से भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग जाती है। हाँ, सनरूफ वगैरह अलग चीज है, वो हम इंस्टॉल नहीं करवाते, वो तो हमें करवानी भी नहीं, बट वैसे बहुत सारे फीचर्स एक्स्ट्रा भी एड ऑन होते हैं। तो चलो बस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। चलो बताओ शुरुआत किस काम से होने वाली है और अभी जो सामान लगा रहे हो डिस्काउंट के साथ लग रहा है ना? जो भी हुंडई जेन्युइन प्रोडक्ट लगेगा ना उस पर 25% डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट इसको मिलेगा किसको? जो आपका चैनल को सब्सक्राइब करके आएगा और मेरा भी चैनल निकू कपलर, उसको भी सब्सक्राइब करके आएगा। ठीक है भाई, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैंने कुछ बाहर से जो एक्सेसरीज खरीदी थी मैंने शोरूम से, वो खरीद के थोड़ा मैं घाटा खा चुकी हूँ। आप लोग मत खाना, आप यहीं से खरीदना। तो सब्सक्राइब करके आएगा, दिखाएगा कि सब्सक्राइब करके उसको 3% डिस्काउंट, 28% हो गया। हाँ बिल्कुल, वाह भाई। और अभी जो काम चालू होगा ना, जो बारीक काम, पियानो में टाइम लगता है तो पियानो, जैसे हमें सीट कवर कस्टमाइज कराना है, सीटें के काम है, उसके बाद म्यूजिक के काम से पहला काम स्टार्ट हुआ जिसमें टाइम लगा पियानो का। अंदर से पियानो, तो सारे पार्ट जो हमने पियानो में करवाने हैं वो निकलवाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम भेज दें, क्योंकि उसको सूखने में और आने में भी 2 दिन का टाइम लगभग लग जाता है। तो पहला वही काम स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सारे पार्ट जितने भी पियानो होने जाने वो निकलने स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इससे। ये यहाँ पे ना बेस वेरियंट में अगर आप देखोगे तो ये मैट ब्लैक में आ रहा है, एकदम बेस वेरियंट। वाइब्स चाहिए नहीं है मुझे मेरी गाड़ी में, तो इसको पहले निकालेंगे। उसके अलावा ये जो देख रहे हो इसको भी निकाला जाएगा। ये वाला पार्ट जो है टॉप मॉडल में ना पूरा यहाँ तक पियानो आता है, बट ये जो सेंटर कंसोल है बेस वेरिएंट में डिफरेंट आता है, तो हम इतना पार्ट जो ब्लैक में रफ ब्लैक में आया है इसको पियानो करवा लेंगे। तो ये सारी चीजें अभी निकलने वाली है। यार मुझे ना यहाँ पे ना पियानो स्पार्कल वाला चाहिए जो बहुत प्रीमियम लगता है, वो हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, वही करवाओ फिर। तो गाड़ी देख सकते हो खुलनी चालू हो गई है और वो जो वो वाला एरिया है ना वो पूरा रिमूव हो चुका है। यहाँ पे ना ट्विटर सैश इंस्टॉल होगा जो टॉप मॉडल में आता है, तो बस वो लगेगा पूरा होने के बाद में। और बाकी ये तो आपको मैंने बता ही दिया, पियानो होना है तो ये पार्ट भी खुल रहा है। यार नई नई गाड़ी खुलवा रहे हैं, मुझे लग रहा है पहली क्रेटा खुल रही होगी। कोई डिफरेंस नहीं है क्रेटा में, जो हमारे लिए पहली है। सिर्फ 3 सामान चेंज कर रखा है कंपनी ने इसमें, हमारे लिए पुरानी क्रेटा ही है। ठीक है, हमें वो टेंशन नहीं है कि नई क्रेटा हम खोल रहे हैं या पुरानी क्रेटा खोल रहे हैं, लेकिन 2024 का पहली क्रेटा खोल रहे हैं। हाँ ये तो है, नई क्रेटा पहली बार खुल रही है। आपकी बात नहीं कर रही, वैसे कह रही हूँ मुझे लगता है करोल बाग में भी पहली ही खुल रही होगी। बिल्कुल, ये देख सकते हो भाई कंपनी की डैम्पिंग, ये तो बहुत ही मतलब बेसिक सी होती है कि कवर्ड रहे सब कुछ, हम लोग अच्छी वाली करवाएंगे। और एकदम नए नए दरवाजे के गत्ते निकाल चुके हैं, मतलब थोड़ा दुख होता है लेकिन मुझे पता है इससे बेटर में कन्वर्ट होने वाली है, तो इसीलिए सह लेंगे इतना तो। और क्योंकि यहाँ पे इंफोटेनमेंट इंस्टॉल होना है तो वो जो फ्रेम है ना वो फ्रेम निकाली जा रही है। इवन अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही ध्यान से प्यार से बोल्ट टू बोल्ट लगी हुई थी, तो उस हिसाब से ही प्यार से निकल रही है, ऐसा नहीं है कि हर चीज पटके निकाली जा रही है। तो ये इंटीरियर इसका पूरा रेनोवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सीटें खुल रही है क्योंकि सीट कवर्स पूरे चेंज होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीटें निकल चुकी है और ये सीट लेके जा रहे हैं ताकि इसके सीट कवर्स बन सके। तो भाई गाड़ी ना पूरी खुल चुकी है, सामने से देख सकते हो सारे पार्ट्स निकल चुके हैं। एसी वेंट वाला ये जो पार्ट पियानो ब्लैक होने जाना था ये निकल चुका है। इसके अलावा स्टीरियो का फ्रेम है वो भी बाहर निकाल दिया है। गत्ते जो है वो चारों के चारों निकल चुके हैं, सीटें बाहर चली गई है, सिर्फ एक यही बाकी है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि हमारी गाड़ी में जो स्टीयरिंग आया है उसके ऊपर ही रैप वगैरह करवा लेते हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करवाएंगे, बट देन हमें यहाँ पे रेडीली अवेलेबल ऑप्शंस मिल गए। एक तो ये पूरा पियानो में है, देन ये कार्बन फाइबर में है। वैसे तो देखने में दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि हमारी गाड़ी में इन दोनों में से कौन सा इंस्टॉल करवाना चाहिए। प्लीज कमेंट कर देना, जेन्युइनली एक बार हम लोग दोनों लगा के रख के भी देख लेंगे, जो अच्छा लगेगा वही लगाएगा। बाकी आपके कमेंट्स तो वैसे भी सजेशन दे ही देंगे क्या लगवाना चाहिए। यहाँ पे से ना स्पॉइलर ऑलरेडी रिमूव हो चुका है और ये स्पॉइलर इसलिए रिमूव हुआ है क्योंकि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे ना ओरिजिनल वाइपर इंस्टॉल होना है, और वाइपर इंस्टॉल होने के लिए ये जो कंपनी से आई हुई विंडशील्ड है ये पूरी रिमूव होगी और टॉप मॉडल वाली लगेगी। ये मैंने आपको दिखाई भी थी, यहाँ पे पड़ी हुई है ओरिजिनल वाली। आपने देखा होगा मैंने ना फॉर्च्यूनर का ग्लास तोड़ने की कोशिश की थी, तो निक्कू भैया को शौक चढ़ रहा है कि ये वाला ग्लास ना मैं तोड़ूंगा, तो अब ये टूटेगा तो बिखरेगा भी, इसलिए हम लोगों ने ना ये ऐसा पूरा कंबल टाइप लगा रखा है ताकि गाड़ी के अंदर कोई भी ग्लास के पीसेस ना जाए और बस इसको तोड़ना बाकी है, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। ये शीशा तोड़ने का ऐसा क्या चाह चढ़ रहा है आपको?
क्योंकि कोई भी बेस मॉडल क्रेटा को हमें बेस नहीं रहने देना है। अच्छा, टॉप बनाना है। टॉप में कमी हो जाती है वाइपर का, इसलिए शीशा तोड़ूंगा इसका। मेरी बात सुन लो, सिर्फ शीशा टूटना चाहिए, अगर और कुछ टूटा तो डीजल मेरी पेट्रोल तुम्हारी, समझ आ गई? या तो गुस्सा का मतलब मुझे हंसी दिला रहे हो, तो फिर क्या करूंगा वीडियो में? एक बार ना लाइव ऑडियंस देख लो, एक शीशा टूटते हुए देखने के लिए कितने लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे। नई वाली क्रेटा तुम्हारी पूरी तोड़ दूंगा। टूटी है ना राली रे? आज तुम्हारी नई वाली क्रेटा पूरे तोड़ दूंगा। तो ये पूरा टूट चुका है और बिल्कुल नई नवेली गाड़ी है। नई नवेली गाड़ी का शीशा ना पहली बार तोड़ा है। दुख तो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैंने खुद से नहीं तोड़ा है, निकू भैया ने तोड़ा है। पर ना मुझे इस चीज की खुशी है कि इसमें नया इंस्टॉल होएगा, वाइपर इंस्टॉल होएगा, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको देखूंगी नहीं। ग्लास फिट करने के लिए सिलिकॉन से चिपकाया जाता है, तो सिलिकॉन निकल रही है, उसके ऊपर जो टूटा हुआ ग्लास है वो साथ साथ गिर रहा है। ये पूरा निकलेगा, जब दोबारा नया लगेगा ना, ये सिलिकॉन वापस से लगेगा, फिर पेस्ट होएगा नया ग्लास। यार ये जो शीशा तोड़ा है ना निकू भैया ने, अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। हमने पीछे ये पूरा कंबल सा तो रखा है, लेकिन अंदर पूरा ग्लास ग्लास भर गया, तो बड़े प्यार से निकालना पड़ेगा। अंदर वेट हो गया, हो सकता है पीछे वाली साइड पलट जाए, तो इसका यूज ही खत्म हो जाएगा, इसलिए यहां से पहले इसको होल्ड करके रखेंगे, फिर खोलेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, चारों साइड से कंबल पकड़ रखा है, उसके बाद में बूट अनलॉक हुआ है। ये देख सकते हो कितना सारा ग्लास यहां पे इकट्ठा हो गया है। बट इसका ये बेनिफिट डेफिनेटली हो गया कि यहाँ पे कोई भी ग्लास का टुकड़ा नहीं गिरा है, छोटे से छोटे कोई भी पार्टिकल्स नहीं आए हैं। अब यहाँ पे ना नया वाला ग्लास इंस्टॉल होना है, तो यहाँ पे पहले सीलेंट लगता है। ये जो सीलेंट है ना, यही ग्लास को प्रॉपरली होल्ड करके रखता है। पहले सीलेंट लगता है, उसके बाद ग्लास लगता है। यहाँ पे नई वाली विंडशील्ड डब्बे से बाहर निकाल लिया और अब ये यहाँ पे इंस्टॉल होगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे नई वाली विंडशील्ड इंस्टॉल हो रही है। अब इसमें डिफॉगर भी आ गया है, वाइपर भी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर कटआउट कंपनी की तरफ से आता है, रबड़ भी आता है। अब ये यहाँ पे ना टेप वगैरह लगा रहे हैं, बाद में जब एंड में सूख जाएगा तब इसको हटा देंगे। ये होल्ड करके रखने के लिए लगाई जाती है। ये जो रियर ग्लास है चेंज कर तो दिया है, डिफॉगर जो इसके अंदर दिख रहा है ये एक्चुअल में वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, दिखाएंगे। तो मैं एक्चुअल में इस चीज को लेके खुश हूँ कि चलो हम लोगों ने ग्लास चेंज करवाया सो करवाया, बट ये जो फीचर्स है ना ये एक्टिव हो जाएंगे, हम एटलीस्ट डिफॉगर यूज कर पाएंगे। वैसे भी अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं, तो ये चीज तो होनी चाहिए। हमने जो शीशा तोड़ा है, क्योंकि इसमें हमें डिफॉगर चालू करना था, वाइपर लगाना था, ठीक है। और जो हुंडई का जेन्युइन है डब्बा भी है, जेन्युइन का है, पैकिंग के साथ आता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम डिफॉगर चालू करके देंगे, वाइपर भी चालू ऑटो करके साथ में देंगे। ये नहीं कि जो टॉप मॉडल का फ्यूचर है ना, एक का फ्यूचर सारा मिलेगा आपको, वो सारी बात ठीक है। यार ये चीज तो बिल्कुल बेकार है कि इसमें डिफॉगर तक नहीं दिया बेस वेरिएंट में। ऐसा तो नहीं है 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है, अच्छे खासे बजट की गाड़ी है, डिफॉगर तो एक बहुत बेसिक चीज है। तो फिर हम लोग कहां जाएंगे अगर कंपनी सारी चीज देने लगेगी तो? अब ये काम बढ़िया हो गया, वाइपर भी चलेगा, वॉशर भी चलेगा, डिफॉगर भी चलेगा, और सब कुछ ह्युंडई का जेन्युइन है, तो ये काम बहुत बढ़िया हो गया। और अगर किसी ने नहीं देखी ना लास्ट वाली वीडियो में देख लेना, मैंने वहां पे दिखाया भी है कि सारी जेन्युइन चीजें ही यूज हो रही है। हम लोग ना अभी इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, बट अभी हमें ये रियलाइज हुआ कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। स्कॉर्पियन में तो हमने पूरा कलर कॉम्बिनेशन ही चेंज कर दिया था, क्योंकि यूजुअली गाड़ियों में क्या होता है, ब्लैक कलर के पार्ट्स आते हैं, बट यहाँ पे क्रेटा में इस बार ये अलग किया है कि ये यहाँ नीचे जितने भी एरियाज आप देखोगे ये डार्क ग्रे कलर में दिए गए हैं। ब्लैक कलर की यहाँ पे बिल्कुल कमी है ही नहीं, ब्लैक कलर। तो हम लोग ना बिल्कुल डिफरेंट कलर का कलर कॉम्बिनेशन नहीं करवा सकते। जैसे मान लो अगर ब्लैक और टैन करवाना है, तो मुझे ये इवन पीछे वाले नीचे वाले जितने भी एरियाज है सब कुछ खुलवा के पेंट करवाना पड़ेगा, तो ये काम बहुत बढ़ जाएगा, इतना मैं करवाना ही नहीं चाहती। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा प्लेन नहीं कर सकते, जैसा कलर कॉम्बिनेशन इन लोगों ने दे दिया है उसमें ही हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली लाइट ग्रे और डार्क ग्रे इस कलर की थीम ले सकते हैं, ब्लैक यार देना चाहिए था एटलीस्ट। बिल्कुल वे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ब्लैक कलर होता ना तो हम कुछ भी कॉन्ट्रास्ट में दे सकते हैं। हाँ। अब यहाँ पे ग्रे की थीम दे रखी है, ग्रे के साथ में ज्यादा कलर मैच भी नहीं करते, पिंक मैच करता है, पिंक ग्रे थोड़ा ना बना देंगे। लाइट ग्रे और डार्क ग्रे देख रहे हो ना, ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग सोच रहे हैं अब इंटीरियर बनवाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। इस बार ना हम सीट्स में कुछ नया डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कलर कॉम्बिनेशन तो फिक्स ही है, तो ये सारी ना बुकलेट्स पड़ी हुई है। इस बार हम सोच रहे हैं कि ये जो लेदर है इसके साथ में ना स्वेड काइंड ऑफ फैब्रिक जो आपने प्रीमियम गाड़ियों में देखा होगा उसके साथ में कंट्रास्ट डालेंगे। अभी कलर्स कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। गाड़ी के सीट कवर्स ना हमें ग्रे के कॉम्बिनेशन में ही रखने पड़ेंगे, एक लाइट ग्रे चूज करना है, एक डार्क ग्रे चूज करना है। तो लाइट ग्रे तो यही वाला है जो आइस ग्रे कलर है, बहुत सुंदर लगता है ये। और जो दूसरा फैब्रिक है ना उसमें तीन ऑप्शंस है ग्रे के,
ये जो सोफे वाला स्वेट फैब्रिक होता है ना, प्रीमियम लगता है बहुत देखने में, वो फैब्रिक है। इसमें 3 शेड्स हैं। अभी ना हम लोगों को गाड़ी वाले कॉम्बिनेशन से मैच करना है, तो ये जो डार्क ग्रे है ना, ये सबसे ज्यादा इसके साथ में मैच कर रहा है, और ये जो लाइट ग्रे है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच कर रहा है। लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, अब ह्यूंडई वालों ने ऐसा कलर कॉम्बिनेशन दे ही दिया है तो कोई बात नहीं, हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। बाहर वाला जो डार्क कलर है हम ये वाला चूज कर रहे हैं क्योंकि यही एग्जैक्टली मैच कर रहा है उसके साथ। और इंटीरियर में जो हम लोग सेंटर में डिजाइन सोच रहे हैं ना, उसमें ये वाला फैब्रिक है जो सोफे वाला स्वेट फैब्रिक होता है प्रीमियम वाला। तो दो फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में सीट कवर्स बनवा रहे हैं, बाकी अभी हमें भी नहीं पता कि इसका डिजाइन कैसा टर्न आउट होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये वाला सारा का सारा हम लोग लेदर रेट में करवाएंगे, और सेंटर में यहाँ पे जो डिजाइन बनेगा ना, ये स्वेड में बनेगा। यार सीट कवर्स डिसाइड करते करते हमें इतना टाइम हो गया है कि शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। मतलब एक तो एक कलर कॉम्बिनेशन ऐसे दे दिया, और ये सीट कवर्स ना हम चाहते हैं कि कुछ इस बार डिफरेंट बनाए, अच्छा बनाए। आपकी कोई भी गाड़ी हो, हमें कम से कम सीट कवर डिसाइड करने में, डिजाइन बनाने में हमें 3 से 4 घंटा 5 घंटा लग ही जाता है, ज्यादा लग जाता है। पहले एक दिन सोचते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर सीट पे बनाते हैं कैसा डिजाइन होगा। हम किसी का डिजाइन कॉपी नहीं करते ना किसी से उठाते हैं, हमारा डिजाइन मार्केट में कॉपी कर करके सब कुछ, पहले मैंने कहा जो क्रेटा है ना, फर्स्ट टाइम हम सब कुछ करेंगे, इसका कॉपी सब करेंगे, ठीक है। और ये डिजाइन में हमें लग गया इतना घंटा, और बाद में वही कॉपी करके बना देंगे कि हमने लगाया फर्स्ट टाइम, मैंने लगाया। चलो कोई नहीं, जनता को तो दिख रहा है किसने लगाया है। यार ये सीटों का क्या हाल कर दिया। जो कस्टमाइज सीटें होते हैं ना, इसके जो कंपनी से, जैसे ये कंपनी का बलेनो का सीट कवर है, इसमें देख रहे हो ना कपड़ा लगा हुआ है, बिल्कुल आपने भी लगा हुआ था, फैब्रिक लगा हुआ था पहले। तो कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्ट इसके ऊपर सीट कवर लगाएंगे, जो सॉफ्ट है ना बिल्कुल इसी तरीके का आएगा, तो उसको कस्टमाइज सीट कवर बोलते हैं। इसके कपड़े के ऊपर जैसे अब हमें लगा रहे हैं, सिलाई खोल दे रहे हैं ना, अब इसके ऊपर हम सीट कवर लगा देते हैं, यहाँ कपड़ा पहले हार्ड हो जाता है, फिर होता है तो स्पॉन्ज नहीं आ पाता है, तो कस्टमाइज सीट कवर इसको बोलते हैं, बकर सीट कवर इसको बोलते हैं। ओके, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कौन से करवाना है? अगर टाइम है तो कस्टमाइज से ऊपर कुछ नहीं है, काम में तो ऐसे भी नहीं आएगा, सिलाई तो खुली रहा है इसका भी, और काम में ऐसे भी नहीं आना है, तो कस्टमाइज बिल्कुल सही होता है। यार ये सीट कवर्स तो चलो बनवाना ठीक है, बट इसमें एयर बैग्स आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एयर बैग जरूरत के टाइम पे खुले ही ना। नहीं, हम जो सीट को बना रहे हैं हमें भी पता कि एयर बैग है, ठीक है, हम एयर बैग वाला ही सीट कोड लगाते हैं, हम विदाउट एयर बैग, जिस गाड़ी में एयर बैग आता है, यदि कि आपकी क्रेटा में एयर बैग है तो एयर बैग वाला नहीं, जिस गाड़ी में कोई भी गाड़ी हो एयर बैग जिसमें आता है हम एयर बैग वाला सीट कवर लगाते हैं, जिसमें एयर बैग नहीं आता उसमें हम एयर बैग नहीं लगाते। कम से कम ना करते पहली बार नहीं, इससे पुरानी मॉडल जो क्रेटा उसमें भी कम से कम 6 महीने से 7 महीने से एयर बैग के साथ आ रहा है। ओके, तो एयर बैग वाला सीट कवर हम बनाते हैं, तो पक्का इस चीज की गारंटी है ना? 110% गारंटी है। चलो ठीक है, ये जो एयर बैग वाला सीट कवर है ना, आपको हर जगह अवेलेबल होता भी नहीं है। Okay. हम प्रॉपर कस्टमाइज कराकर हम एयरबैग वाला सीट को बनाते हैं, यानी कि आपको हर जगह मिल जाएगा। विदाउट एयरबैग वाला सीट कवर ले तो 5,000-6,000 को मिल जाता है, जो अच्छा एयरबैग के साथ सीट कवर होता है नई गाड़ी का, तो कम से कम आपका स्टार्टिंग रेंज ही 8,000 से होगा। अच्छा, तो बस बचे हुए काम अगली वीडियो में आप देख ही लोगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।